नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के ठीक पहले अब प्रशांत किशोर ने भाजपा के लिए बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जिस भविष्यवाणी की चर्चा इस वक्त जोरों शोरों से हो रही है, और इस भविष्यवाणी से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की नींद भी उड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इंडी गठबंधन जो एक साथ होने का दावा करता है, चुनाव से ठीक पहले उनकी पोल भी खुल चुकी है, क्योंकि बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस खुलकर CPM और कांग्रेस पर निशाना साधता नजर आया और उसे BJP का एजेंट तक बता दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो है, उन्होंने भाजपा के लिए क्या भविष्यवाणी की है, जिसकी चर्चा गली कूची से लेकर हजामत की दुकान तक हो रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहाने में जुटे हैं। इसी बीच देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ PK ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसकी भविष्यवाणी की है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से बंगाल में भाजपाई गदगद हैं। वे गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, चाय पान या हजामत, जहां कहीं भी हो, यही तजकीरा लिया अड्डा जमा देते हैं। बता दें, हाल ही में प्रशांत किशोर ने विभिन्न मीडिया में साक्षात्कार में यह भविष्यवाणी की थी। इसमें कहा था कि साल 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा होगा। हालांकि वह इसे भविष्यवाणी कहने के प्रति सहमत नहीं थे, बल्कि इसे अंदाजा यानी अनुमान मानने पर जोर दिया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करेगी। बंगाल में भाजपा के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। यह लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत कठिन होगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय भाजपा अपनी गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज 2024 में पश्चिम बंगाल में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति है। अब लगता है कि यह 2024 में भाजपा बंगाल के 2019 के बेहतर प्रदर्शन करेगी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 22, भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा के पहले से भी बेहतर प्रदर्शन की PK की भविष्यवाणी से भाजपा अब फूले नहीं समा रहे। भाजपा समर्थक इस मुद्दे को इंटरनेट मीडिया के जरिए प्रचारित और प्रसारित भी जो है करते नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि BJP की तरफ से ये बड़ा दावा जो है किया गया है, और इस बड़े दावे के वजह से जो है प्रशांत किशोर के बड़े दावे से BJP जो है फूले नहीं समा रही है और लगातार जो है इसे लेकर अब प्रचारित जो है करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ अब इंडी गठबंधन की पोल जो है खुल गई है, क्योंकि अब इनके नेता खुलेआम जो है पश्चिम बंगाल की जनता से बात कर रही है और पश्चिम बंगाल की जनता के सामने कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी प्रदेश में इंडी ब्लॉक के चुनावी मैदान में उतारने के पक्ष में है। TMC का दावा है कि वह प्रदेश में अकेले दम पर BJP को रोकने में सक्षम है, और बंगाल में TMC की इंडी ब्लॉक है क्योंकि यहां कोई दूसरा पार्टी नहीं है। जबकि TMC का कहना है कि दिल्ली में हमारा गठबंधन इंडी ब्लॉक से है। TMC नेता कृणाल घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम बंगाल में TMC BJP के हराने के लिए काफी है, लेकिन कांग्रेस और CPM हमारी पार्टी की पीठ पर वार कर रही है। 2021 में TMC ने साबित कर दिया कि वो अकेले BJP को रोक सकती है और हरा सकती है। बंगाल में CPM और कांग्रेस BJP की एजेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ED TMC को परेशान करती है तो बंगाल में कांग्रेस जश्न मनाती है, लेकिन वही ED जब दिल्ली में कार्रवाई करती है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। दिल्ली में कार्रवाई पर एजेंसी खराब और बंगाल में कार्रवाई पर एजेंसी इनकी अच्छी जाती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में TMC ही इंडी ब्लॉक है और क्योंकि यहां कोई दूसरा पार्टी नहीं है, पर दिल्ली में हमारा गठबंधन इंडी ब्लॉक से है। बंगाल में प्रदेश कांग्रेस और CPM NDA का गठबंधन है। वह इसके पहले भी ममता बनर्जी समेत TMC के कई दिग्गज नेता कांग्रेस पर हमलावर हो चुके हैं, और क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान कृणाल घोष, जरा सुनिए। इंडिया अलायंस BJP के रुखते BJP जाते दिल्ली के क्षमता ना आसे, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই অ্যালায়েন্সের অন্যতম উদ্যোক্তা, নামটিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেয়া।
दिल्ली ते आम्रा चाई बीजेपी सरकार के सराते एवं विकल्प सरकार गढ़ते किंतु बांग्ला जेहेतु राज्य कांग्रेस एवं सीपीएम तारा बीजेपी दलाली करछे 2021 साले जखन बीजेपी सर्वशक्तिते बांग्ला दखल करते झापाच्छे तृणमूल लड़े ममता दी नेतृत्व अभिषेक सेनापतित्व और कांग्रेस सीपीएम जोट बेधे भोट केटे बीजेपी के सुविधा करे देयार खेला खेल छिलो तो सेई खेला एखोनो अब्याहत एई राज्ये कांग्रेस के भोट देया और सीपीएम के भोट देयार अर्थ बीजेपी हाथ शक्तिशाली करा आम्रा खूब स्पष्ट भावे बोलछी दिल्लीते इंडिया जोट और बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस मीन्स इंडिया अलायंस बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस एखाने बीजेपी एजेंट देर कोनो जायगा नहीं एखाने कांग्रेस के अपनी भोट देवें सीपीएम के अपनी भोट देवें बीजेपी तार लाभ पावे कारण बीजेपी के लड़छे तृणमूल कांग्रेस आम्रा बोलछी 42টা तृणमूल कांग्रेस के भोट दिन सारा देशे बीजेपी हारार प्रवणताय आछे भोटेर पर दिल्लीते जे विकल्प सरकार तैयारी होबे सेई सरकारे अबीजेपी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक प्रगतिशील सरकार गढ़ते नियंत्रक भूमिका नेबे तृणमूल कांग्रेस जे तृणमूल कांग्रेस निश्चित भावे दिल्लीते इंडिया जोटेर संगी और पश्चिमबंगे तृणमूल माने इंडिया पश्चिमबंगे अन्य कोनो इंडियार कोनो शरीक नहीं इंडियार शरीकेर नामे जारा बीजेपी दलाली करछे बीजेपी एजेंटेर काज करछे भोट काटुआर काज करछे तादेर एकटा भोटो देबेन ना फले आमरा खूब स्पष्ट करे दी जे एई अधीर चौधुरीर कांग्रेस और मोहम्मद सलीमेर सीपीएम एरा हाथ मिलिएछे बीजेपी के अक्सिजेन देबो बोले एरा तृणमूल के दुर्बल करते चाय बीजेपी विरोधी भोटारदेर कंफ्यूज करते चाहे तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरीके से कुणाल घोष जो है इंडी गठबंधन के बारे में बोल रही हैं और इसकी पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं लगातार जो है रिएक्शंस जो है दे रही हैं लगातार अपनी प्रतिक्रिया जो है इससे साझा कर रही हैं और अपनी बातें सामने रखते हुए भी नजर आ रही हैं तो ऐसे में आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताएंगे पूरा मामला क्या है किस तरीके से एक तरफ प्रशांत किशोर है जो कि भविष्यवाणी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर कुणाल घोष है जो साफ तौर पर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा धन्यवाद।